स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज में से आपका जो लेसन 1 था अलर्टेड टू गॉड, उसके इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट सॉल्व किए थे। और अब हम आज करने जा रहे हैं लेसन नंबर 2, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट प्रोज एक्सट्रैक्ट हैं, उसको हम हल करेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। ए है, 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly decided by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering over of international leaders on South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला जब पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए थे साउथ अफ्रीका के, उस समय का ये इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में बताया है। और आप अगर चाहें तो इसका चैप्टर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन देखें बच्चों, व्हाट वर द सेरेमनीज रिफर्ड टू हियर? किस सेरेमनी के बात यहाँ पर इस प्रोज में, इस एक्सट्रैक्ट में की जा रही है? आंसर, द सेरेमनीज रिफर्ड टू द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। यहाँ पर एस कैपिटल कर लीजिएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, इनॉग्रेशन सेरेमनी। तो यहाँ पे क्या लिखा, द सेरेमनी इज रेफर्ड टू द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। मतलब जो उत्सव या जो सेरेमनी समारोह जो था, वो किसका था कि सबसे पहली बिना भेदभाव, रंग भेद बिना वाली सरकार का गठन साउथ अफ्रीका में किया गया। क्वेश्चन नंबर बी देखो बच्चों, नेल्सन मंडेला वॉज सराउंडेड बाय द वर्ल्ड लीडर्स, ट्रू और फॉल्स? मतलब नेल्सन मंडेला जो थे उस समय विश्व के विश्वविख्यात नेताओं से घिरे हुए थे, सही है या गलत? तो ये ट्रू है। आंसर क्या हो जाएगा, नेल्सन मंडेला वॉज सराउंडेड बाय वर्ल्ड लीडर्स, ट्रू। क्वेश्चन नंबर सी देखो, व्हाट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ 10th मे? 10th मे क्यों इंपॉर्टेंट हो गई थी उस दिन? यहाँ पर देखो, आपको बहुत अच्छे से इसका आंसर मिलेगा। फर्स्ट देखो, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। सेकंड, इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तीसरा, थर्ड है सेमिनार ऑफ ग्रेट लीडर्स। फोर्थ, मैरिज सेलिब्रेशन। यहाँ पे किस चीज के लिए इकट्ठा हुए थे, आप सबको अच्छे से पता है, आंसर हो जाएगा सी, इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर डी देखो बच्चों, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ डाउन? डाउन यानी ऊषा काल, प्रातः काल की जो सुनहरी सुबह होती है उसको डाउन कहते हैं। इसका अपोजिट हो जाएगा डस्क। यहाँ डी, इसको एक बार और लिख देती हूँ, डी यू एस के, डस्क। सो द राइट आंसर इज अपोजिट ऑफ डाउन इज डस्क। डस्क क्या ना, शाम की जो आसमान का माहौल रहता है उसको डस्क बोलते हैं। अब देखते हैं हम इसका सेकंड एक्सट्रैक्ट। आई न्यू दैट द अप्रेजर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द अप्रेस्ड। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. Just as surely as I am not free when my freedom is taken away from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. अब यहाँ पर जो शोषक वर्ग है और जो शोषित वर्ग है, उन दोनों के बारे में बता रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं
कि यदि मैं किसी की स्वतंत्रता का छीनता हूँ, स्वतंत्रता का हनन करता हूँ, तो मैं भी अपने आप को आजाद महसूस या स्वतंत्र महसूस नहीं कर सकता। एक किसी एक दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करना क्या है? इनजस्टिस है और संकीर्णता का परिचायक है। तो यहाँ पर इसके हम क्वेश्चन आंसर देखें। आंसर ए, डज मंडेला थैंक द ऑपरेजर इज फ्री? व्हाई? क्या मंडेला ऑपरेजर को थैंक देते हैं और क्यों? आंसर देखें, मंडेला डज नॉट थिंक दैट द ऑपरेजर इज फ्री बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑपरेजर इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। यहां पर लिखा हुआ देखो, ऑपरेजर अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। तो क्या आंसर हो जाएगा? मंडेला डज नॉट थिंक दैट द ऑपरेजर इज फ्री बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑपरेजर इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। हियर इट इज एच। क्वेश्चन नंबर बी देखें, नेल्सन मंडेला वॉज इन फेवर ऑफ द पॉलिसीज ऑफ अपार्टीड। क्या नेल्सन मंडेला इनके फेवर में थे, रंग भेद की नीति के फेवर में थे? नहीं। यह आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सी देखो, इन दिस चैप्टर विच कंट्री इज डिस्कस्ड अबाउट। इस चैप्टर में किस कंट्री के बारे में बात की जा रही है? यहाँ कहीं देखो, कहीं लिखा दिख रहा है आपको? आपने चूंकि ये लेसन पढ़ा है तो आपको अच्छे से मालूम है ये कंट्री कौन सी है। साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला कहाँ के रहे हैं राष्ट्रपति? साउथ अफ्रीका के। सो इन दिस चैप्टर विच कंट्री इज डिस्कस्ड अबाउट? आंसर साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर डी देखो बच्चों, आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव, निरंतरता की ओर गिरना। इसका आंसर कौन सा शब्द इसके नीचे के लिए आया है? यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड लाइन में दिस वन, प्रेजुडिस। तो आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन डिस्क्रिमिनेशन, आंसर है प्रेजुडिस। तो बच्चों ये था लेसन टू का इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट, और आप इन दोनों लेसन्स के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू बच्चों।